Hello students, here I am with you with the chapter Federalism. Last first chapter में political science के हमने power sharing की बात करी थी. अब federalism, देखिए पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि what is federalism. Federalism होता क्या है? Federalism भी unit democratic form of government है. Just मैं एक बार आपको इधर ही टेक्स लिख के आपको मैं दिखा देती हूँ. देखिए, देर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी. वन इज कॉल्ड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अनदर इज कॉल्ड यूनिटरी फॉर्म एंड अनदर इज कॉल्ड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बोथ आर फेडरल फॉर्म. बोथ ऑफ दीज गवर्नमेंट, माई डियर स्टूडेंट्स, दे आर डेमोक्रेटिक फॉर्म. ये दोनों मिला के ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का ही ये पार्ट है. ये चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है. टेक्निकल मतलब एक्चुअली में पॉलिटिकल साइंस का टेक्निकल चैप्टर है ये. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर आई एम सेइंग. दोनों ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस अलग होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट अलग होता है. आपने कॉन्ट्रास्ट देखा फर्स्ट चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका का, और बेल्जियम में के कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर्स का डिवीजन ऐसे किया कि पावर जो थे वो सेंट्रलाइज नहीं हुई, वो डिसेंट्रलाइज हो गई. बहुत अच्छे तरीके से पावर्स को उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर दिया. सो अपने स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अपने अपने रोल्स थे. द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज अ रीजनल गवर्नमेंट. आप देखिए, बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू द गवर्नमेंट, कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अब हम बात करते हैं बेल्जियम मॉडल जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, टू शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मतलब बेल्जियम में पहले सारे पावर कॉन्सेंट्रेटेड थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर वो शिफ्ट हो गया फेडरल गवर्नमेंट के पास. और फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ ज्यादातर कई स्टूडेंट्स को, और अपनी मैं क्लास में भी देती थी एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, आपके दो ब्रदर सिस्टर हैं, पेरेंट्स कहीं बाहर जा रहे हैं. एग्जाम्पल ए, पेरेंट्स ने बड़े को 100 रुपए दिए हैं, छोटे को कुछ नहीं दिया. एज एंड व्हेन उसे जरूरत होगी वो बड़े भाई से या बड़े बहन से, एल्डर चाइल्ड से ले लेगा. सेकेंड एग्जाम्पल है दैट फेडरलिज्म. सेकेंड एग्जाम्पल है पेरेंट्स ने एल्डर वन को 100 रुपीज दिए हैं, यंगर वन को 60 रुपीज दिए हैं. सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल ए वॉज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वाइल एग्जाम्पल बी वॉज द एग्जाम्पल ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. Now I am starting with federalism. क्या है federalism? एक वो system है in which power जो है वो divided है between a central authority and different constituent units of the country. अलग अलग constituent units of the country में power जो है वो divided है. एक government है India. पहले मैं बता दूं आपको federal form of government है, अभी आप आगे पढ़ेंगे उसके बारे में. So first is the government for the entire country, that is central government, and that is usually responsible for few subjects of common national interest. Now the other are the government at the level provinces, par inki importance bhi bahut hai. Aur aaj ke time mein jab logon mein bahut awareness aa rahi hai, my dear students, to federal form में state government ki local government ki bahut zyada importance hai. Aage jab wo चैप्टर आएगा मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल्स दूंगी उसके. बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. आप देखिए ये मैप में शो किया हुआ है, एंड इन द मैप जितनी भी फेडरल फॉर्म ऑफ कंट्रीज हैं उनको ये मस्टर्ड कलर से शो किया हुआ है. तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर इज डिवाइडेड, दो समटाइम्स इट इज क्रिटिसाइज्ड कि जो पावर का जो डिविजन है वो यूनिफॉर्म नहीं है और वो अनइक्वल डिविजन है. पावर इज बायस्ड, मीन सेंटर की तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बायस है. इंडिया के बारे में ये कहा जाता है कि सेंटर को पावर ज्यादा दी है
और स्टेट को कम दी है। वी विल डू दिस डिस्कशन अपने आगे जो मैं पार्ट लूंगी उसमें करूंगी मैं डिस्कशन। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। फेडरेशन जो है कॉन्ट्रास्टेड है यूनिटरी गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को। आप अगर न्यूज़पेपर देख रहे हो, अगर नहीं भी देख रहे हो तो मैं बता दूं, दिल्ली में जैसे टसल चल रही है, आप देखिए सेंटर में बीजेपी है, दिल्ली में दो बार से आम आदमी पार्टी है, और एलजी और चीफ मिनिस्टर के साथ जो टसल चल रही है, तो सेंटर के ऑर्डर जो है वो सेंटर ऑर्डर पास करती है प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट को। बट इन फेडरल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं कर सकती। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में चाहे किसी भी पार्टी की हो उसके पास पूरा कंट्रोल होता है। सो स्टेट गवर्नमेंट को अपने ही स्टेट में पूरी पावर होती है। आपने दिल्ली की एजुकेशन सिस्टम में देखा है कि काफी कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, मेनली जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। सो ये बहुत एक छोटा सा पॉइंट है। सो कंपैरेटिवली तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट डोमिनेट इन द स्टेट गवर्नमेंट इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज ऑफ सम अदर पार्टी। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहला फीचर, देयर आर टू और मोर लेवल। लेवल होते हैं ना, आपने देखा ट्रेन में देखा होगा आपने, टायर्स होते हैं टू और मोर, थ्री टायर्स होते हैं। तो टू और मोर मतलब there are two or more level, मतलब one is central government, another is state government and then local government. अलग अलग टायर की jurisdiction अलग होती है। इसका क्या मतलब है कि jurisdiction अलग होती है। jurisdiction अलग होती है मतलब जो central government है उसकी jurisdiction अलग होगी, state government की jurisdiction अलग होगी और local government की jurisdiction अलग होगी। आपको इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको डिजिटल बोर्ड से शेयर करके मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये मैं देखिए दोनों की इनकी जुरिस्डिक्शन अलग हुई। अगर हम बात करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज फॉर द कंट्री एंड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंट्री के लिए है। देन स्टेट गवर्नमेंट जो है ये स्टेट्स के लिए है। ऑब्वियसली एज फ्रॉम द नेम सजेस्ट स्टेट गवर्नमेंट इज for the states. Then we have got local government. Local government. अब देखिए central government for the country, for the nation. State government for particular state. कोई भी स्टेट है, आई वोंट नेम एनी स्टेट। एंड लोकल गवर्नमेंट इज फॉर द विलेजेस डिस्ट्रिक्ट्स एटसेट्रा। लोकल गवर्नमेंट फॉर द विलेजेस हो गया, टाउन्स हो गए, सिटीज हो गए, टाउन्स। देन डिस्ट्रिक्ट्स, एंड विलेजेस। सो डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है नेशन को। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है स्टेट को। लोकल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है टाउन्स को। अगर अब आप डीपली सोचें तो सिटीजन्स तो एक ही है ना। आप देखिए जैसे आप अपनी क्लास में सेक्शन ए के स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल आप टेंथ ए के स्टूडेंट है, टेंथ ए का एक विंग है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट, मतलब टेंथ ए का एक पूरा फ्लोर है वो स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और इन अ वे आप पूरे स्कूल के भी पार्ट हैं। सो सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स आर सेम सेट दे आर बीइंग आपके देखिए सिटीजन जो है वो सेम है। अभी ये वाला पॉइंट जो है वो आपका आगे आएगा तब मैं आप लोगों को ये समझाऊंगी मैं। तो ये आप देखिए सेम सेट जो है ये इसको गवर्न कर रहे हैं। सो इट इज द सेम सेट ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर बीइंग सेम सेट ऑफ पीपल आर बीइंग गवर्न्ड बाय देम। नाउ आई एम शेयरिंग द चैप्टर वंस अगेन एंड देन
वी विल कम टू द चैप्टर वंस अगेन. ये देखिए आप देखिए डिफरेंट टायर्स ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन, मतलब डिफरेंट टायर्स, अब मैंने आपको समझाया दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस, पर हर एक टायर की अपनी ज्यूरिस्डिक्शन अलग है, अपना जो एरिया है डिसीजन लेने का अलग है. जैसे आपके एक सेक्शन में एक पीरियड लगता है, दूसरे सेक्शन में दूसरा पीरियड लगता है, तीसरे सेक्शन में तीसरा पीरियड लगता है, एंड लाइक सो ऑन. और हर एक टीचर की अपनी क्लास में अपनी ज्यूरिस्डिक्शन होती है. इन द सेम वे अलग अलग टायर की अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शन होती है अलग अलग मैटर्स में, लॉ बनाने में, टैक्सेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में. उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती. देन थर्ड पॉइंट, ज्यूरिस्डिक्शन. ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है स्टूडेंट्स पावर टू टेक डिसीजन, जिसमें वो जजमेंट देंगे. ज्यूरिस्डिक्शन तो द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल आर स्पेसिफाइड. हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन के जो नियम है उसके बाहर नहीं जा सकते, चाहे कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन के नियमों के ही बेस पे रहना होगा. आपने देखा तिरंगा हर घर में फहराया जाए, ये मोदी जी ने दिया था, लेकिन इसको सभी स्टेट गवर्नमेंट ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे जो है वो पूरे पूरी कंट्री के लिए है, जिसमें सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का पूरा योगदान रहा. सो द एग्जिस्टेंस एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, जो कॉन्स्टिट्यूशन के नियम है उसके बेस पर ही होगा, उससे ज्यादा नहीं. फंडामेंटल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अकेले कोई भी लेवल नहीं चेंज कर सकता, सेंट्रल लेवल भी नहीं चेंज कर सकता, दोनों की रजामंदी होनी जरूरी है. फोर्थ पॉइंट का ये मीनिंग है, फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूनिलेटरली, यूनिलेटरी मतलब एक अकेला कोई नहीं चेंज कर सकता, एंड ये चेंजेस जो है दोनों गवर्नमेंट की कंसेंट, सलाह दोनों की जरूरी है. फिफ्थ पॉइंट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कौन सही है कौन गलत है ये कौन डिसाइड करेगा? ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ना ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, केवल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा. कई ऐसे केसेस आप देखिए अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं जिसमें स्टेट और सेंटर के कंफ्लिक्ट है, तो ऐसे डिसीजन जो है वो केवल जुडिशियरी डिसाइड करेगी, एंड दैट टू सुप्रीम कोर्ट. हाईएस्ट कोर्ट एम्पायर की तरह एक्ट करता है. जब भी कोई, जैसे क्रिकेट में आपका कोई टाई हो जाता है, कोई डिसीजन लेना होता है, तो एम्पायर का डिसीजन सर्वमान्य होता है, एक्सेप्टेबल टू एवरीवन. पॉइंट नंबर सिक्स, सोर्सेज हर किसी का बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है, स्पेसिफाइड होता है. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस गो टू डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट. अगर आप, मैं बहुत मोटा मोटा कहूँ, इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्टली जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, ये छोटा सा मैंने एग्जाम्पल दिया. टोल टैक्स जो है वो भी आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट्स में होता है, तो अलग अलग टैक्सेस जो है वो अलग अलग लेवल के होते हैं. नाउ सेवेंथ पॉइंट, फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव है, बहुत ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट. फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, अगर आप देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू मार्क्स क्वेश्चन. टू मार्क्स में मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है ये, एस क्यों लिख रही हूं मैं, आप ध्यान रखिएगा. एंड फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव है, पहली बात कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना, अनेकता में एकता जिसे हम कहते हैं, एट द सेम टाइम रीजनल डाइवर्सिटी को भी एकोमोडेट करना. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन अपनी लैंग्वेज में हो सकती है, जो रीजनल लैंग्वेज है, तो रीजनल डाइवर्सिटी को बनाए रखना. टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ द फेडरलिज्म. गवर्नमेंट अलग अलग लेवल की एग्री करे टू सम रूल्स ऑफ द पावर शेयरिंग, एंड दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट कि सब इस एग्रीमेंट से को फॉलो करेंगे. आइडियल फेडरलिज्म क्या है, जिसमें म्यूचुअल ट्रस्ट, इसको मैं फेडरलिज्म ही नहीं कहूंगी, हर एक रिलेशनशिप में आप दोस्त भी हैं किसी के, तो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रस्ट में रहना होता है. आप चाहे ट्रस्ट में रहना होता है एक दूसरे के साथ, आप चाहे विश्वास एक दूसरे का, ट्रस्ट जरूरी है, म्यूचुअल ट्रस्ट जरूरी है, एग्रीमेंट टू लिव टूगेदर.
एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरी करता है एक फेडरेशन, बैलेंस ऑफ पावर वेरी करता है एक फेडरेशन से दूसरी फेडरेशन में. सो फर्स्ट इज कमिंग टूगेदर फेडरेशन. आप देखिए एक बैलेंस है कमिंग टूगेदर फेडरेशन, इसको मैं आपको ऐसे मतलब इस टाइप से समझाऊंगी कि जिससे वॉट इज कमिंग टूगेदर फेडरेशन. कमिंग टूगेदर फेडरेशन जो है इट इज दैट जब आप देखिए अलग अलग फेडरेशन एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है एंड ये अलग अलग फेडरेशन जो है वो आप मिलके और वो एक कंट्री बनाते हैं और वो कंट्री जो है अलग अलग फेडरेशन देखिए एक कंट्री बनाती है एंड दिस इज नोन एज द कमिंग टूगेदर फेडरेशन. ये अलग अलग जो मैंने एरोज बनाए हैं, एरोज जो है ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये कंट्रीज को डिनोट कर रहे हैं एंड एग्जाम्पल जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है दैट इज यूएसए. यूएसए इज अ एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ फेडरेशन. मतलब और भी है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अलग अलग स्टेट्स दे एग्रीड ओके दे आर गोइंग टू मेक अ फेडरेशन एंड सो दे मेड द फेडरेशन. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ फेडरेशन कमिंग टूगेदर. आप देखिए स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है एंड देर आर मेनी मोर यू हैव सीन दैट जहां जो कमिंग टूगेदर फेडरेशन बनाते हैं. सेकेंड रूट क्या है, इट इज कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि वो पावर कैसे डिवाइड करेंगी एंड इट इज कॉल्ड होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन. लाइक इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड करती है. नाइन्थ में आपने पढ़ा था ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में कि कैसे वो गवर्नमेंट बनाएंगी, कैसे गवर्नमेंट को वो फॉर्म करेंगी. सो डियर स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट करती हूँ दैट आई एम न्यू टू दिस यूट्यूब एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो, और अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करिएगा. सेकेंड रूट में एक बार आपको और बता देती हूँ, सेकेंड रूट में मिलके डिसाइड होता है, अलग अलग फेडरेशन नहीं आती साथ में, बैठते हैं मिलते हैं और डिसाइड करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन. इन दिस सेकेंड कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल एंड वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जो है फेडरेशन की उनके पास अनइक्वल पावर होती है. सो स्टूडेंट्स ना, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है, और आप आगे फर्दर मैं आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो डालूंगी, रिविजन वीडियो भी डालूंगी. कमेंट बॉक्स में प्लीज अपनी कमेंट करिएगा एंड लाइक करिएगा, शेयर करिएगा. ओके स्टूडेंट्स.